हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के नतीजे के ठीक अगले दिन पांवटा साही में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां परीक्षा में फेल होने पर एक छात्र ने मौत को गले लगा लिया। आत्महत्या करने वाला छात्र पांवटा साहिब के सूरजपुर का निवासी बताया जा रहा है। छात्र यहां पुरुवाला स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ता था। जानकारी मिली है कि छात्र 12वीं में दूसरी बार असफल हुआ था। दूसरी बार असफल होने के चलते छात्र बेहद तनाव में था, जिसकी वजह से उसने आज अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र की मृत्यु के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का कहना है कि कुछ अरसा पहले उसके सिर पर चोट लगी थी। चोट की वजह से उसकी याददाश्त भी कमजोर हो गई थी। हालांकि छात्र का पीजीआई चंडीगढ़ से इलाज चल रहा था, मगर दूसरी बार असफल होने का दर्द छात्र सहन नहीं कर पाया और उसने आत्महत्या कर ली। डांटते नहीं थे अपने बच्चों को, कभी नहीं, ना बेटा बेटी को कभी पढ़ने के लिए नहीं, ये भी नहीं बोलते थे, बोले चेक कर लेगा उसके दिमाग सर। वो पहले ना बहुत पहले छत से गिर गया था, तो उसके ना दिमाग में थोड़ा, हाँ जी, चंडीगढ़ इलाज चला था, तब भी वो बहुत मुश्किल से बचाया था दिमाग की वजह से। कई महीने चंडीगढ़ टीचर वगैरह तो नहीं कुछ बोलते नहीं, टीचर का तो इसमें टीचर क्या बोलेंगे बेचारे, पर ये है कि खुद लग रहा है। ये मेरी सिस्टर है, अच्छा, ये इनकी जिठानी है और बहुत जिठानी इनकी जंगला बोलती रहती है। उधर मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आत्महत्या के तुरंत बाद परिजनों ने छात्र को अस्पताल पहुंचाया, मगर यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लिहाजा पुलिस ने छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस संबंध में मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। आईपीएस आदित्य सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि छात्र ने परीक्षा में फेल होने के तनाव के चलते आत्महत्या की है। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक बच्चे ने हैंगिंग कर ली है और उसी सिलसिले में अभी हम हॉस्पिटल पहुंचे तो वो मृत घोषित कर लिया गया था। अभी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं क्या रीजन था, बट प्राइमर फेस ही लग रहा है कि रिजल्ट आने की वजह से उसने उस दुखी होकर रिजल्ट से अपने सुसाइड कर लिया। बाकी अभी इसमें जांच चल रही है, जब और पता चलता है हम आपको बताएंगे।